हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान अम्मा जी को नमन है, करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। अब हम लोग आते हैं अपनी लीला पर, तो वघासुर और अघासुर का उद्धार हम आज लेंगे। भारत भूमि कर्म भूमि है, अन्य देश भोग भूमि है। हमारे यहाँ कर्म अनुसार फल मिलते हैं, प्रत्येक कर्म को परमात्मा की आज्ञा मानकर पूर्ण कर। भारत भूमि जो है कर्म भूमि है और जितने भी देश हैं वो सब भोग भूमि है। कर्म भूमि का क्या मतलब है कि यहाँ जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है और यहाँ लोगों में सहनशीलता और सहन शक्ति बहुत है। जैसे आपने देखा कि कोरोना आया, कितने लोगों ने इसको दृढ़ता से लिया और लोग बहुत कम लोग इफेक्ट हुए। सबके शरीर में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, इम्यूनिटी डेवलप हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोगों में सहन करने की शक्ति बहुत है। विदेशों में हर चीज़ वो होती है, मतलब बहुत जल्दी वो लोग इन्फेक्शन कैच करते हैं। यहाँ आते हैं तो उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी वो लोग इन्फेक्शन कैच करते हैं क्योंकि उनकी हर चीज़ स्टरलाइज्ड होती है। हमारे यहाँ हर चीज़ का वो एक्सपोजर होता है तो इतनी जल्दी आदमी इन्फेक्शन नहीं कैच करता है। तो हमारे यहाँ के लोगों में सहनशीलता सहन शक्ति इम्यूनिटी बहुत होती है। कहने भारत भूमि जो है कर्म भूमि है। भक्ति और कर्म वैसे तो में तो कोई अंतर नहीं है, कहने भक्ति और कर्म में वैसे तो कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किया गया काम ही भक्ति है। कितनी अच्छी बात है, देखिए प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किया गया काम ही भक्ति है। जो काम आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेंगे वही भक्ति है। कर्म में फलेच्छा कपट है, फलेच्छा किए बिना किया गया कर्म ही भक्ति है। कह रहे हैं फल की इच्छा मत करो। जैसे हमने कोई सेवा करी, अब हमें प्रशंसा की इच्छा हो जाती है, अब हमें मान की इच्छा हो जाती है, तो कह रहे हैं प्रशंसा और मान की इच्छा ही क्या है, फलेच्छा है, ये कपट है। अरे इससे वो कर्म भक्ति नहीं रहता। तो फल इच्छा मत करिए, मान की इच्छा भी मत करिए, प्रशंसा की इच्छा भी मत करिए। आप सबको मान दीजिए, आप सबकी प्रशंसा करिए, पर खुद प्रशंसा की इच्छा मत करिए। हमें बहुत होता है हमें सब मान दें, हमारी प्रशंसा करें। पैसा भले ही नहीं चाहिए पर मान प्रशंसा तो चाहिए। बोले किसी भी चाहना कोई भी चाहना मत करो, बस भगवान के समर्पित रहो, भगवान को याद करो। भगवान जैसे कहा ना गुरु ने कहा, सबका भला हो, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहें, सब की काया निरोगी रहे, सबका भगवान में मन लगे और सबकी सब के विचार सकारात्मक रहे, सबकी पॉजिटिव थिंकिंग, सबका भला हो, सबका भला हो। तो हमारे भाव ये होनी चाहिए कि सबको ब्लेसिंग्स मिले, कोई भी नेगेटिविटी हमारे मन में होनी नहीं चाहिए, सबको ब्लेस करिए। सब जैसे गुरु भगवान कितना कह रहे हैं, सबका भला हो, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहें, सबका भगवान में मन लगे, सबके विचार सकारात्मक रहे, सब स्वस्थ रहें। ऐसे हम सब बात वही है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बात वही है पर उसको और सरल तरह से कह दिया। तो सबको ब्लेस करें, सबके लिए शुद्ध भाव रखें और हम भगवान से प्रे करें कि भगवान किसी को भी कोई कष्ट ना हो, किसी को भी दुख ना मिले, सबका आप में मन लगे, सब स्वस्थ रहें, सब भगवान से जुड़े, सब भजन करें, सब भजन सेवा सुमिरन सत्संग में रहें। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं, सेवा सुमिरन सत्संग सबके जीवन में हो। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बार बार कहें हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। कहने फल की इच्छा मत करिए, प्रशंसा की, मान की, धन की, सब कुछ मेरे अनुकूल हो जाए। बोले दुनिया में हर कुछ सब कुछ अनुकूल नहीं होता। जब हमारे सब चीज़ें अनुकूल होती हैं तो हम इतने स्ट्रांग नहीं बनते। जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं लाइफ में तब हम स्ट्रांग बनते हैं, है ना। तो फल की इच्छा मत करिए और बहुत अनुकूलता हो इसकी भी इच्छा मत करिए। जैसी परिस्थिति है उसको फेस करें और भगवान में अपने मन को लगाएं और सेवा करें। जो कोई प्रत्येक कर्म ईश्वर के हेतु करता है उसके वे सारे कर्म भगवान की भक्ति बन जाते हैं। यानी जो हर कर्म भगवान के हेतु करता है, भगवान आपके लिए घर आपका, आपके लिए सब काम करते हैं, आपके लिए प्रसाद बनाते हैं, आपके आपके लिए झाड़ू लगाते हैं, आपके लिए घर साफ रखते हैं, आपके लिए
व्यायाम इत्यादि करते हैं, सब आपके लिए करते हैं। गोपियाँ क्या करती थी? गोपियाँ के लिए तो हर कर्म भक्ति था। घर लेती थी किसके लिए? कन्हैया के लिए। माँ वो दही जमाती थी, माखन निकालती थी किसके लिए? कन्हैया आएगा खाएगा। घर किसके लिए साफ करती थी? कन्हैया आएगा तो घर साफ होना चाहिए। प्रसाद बनाती थी तो कन्हैया माखन मछली खाएगा। तो सब चीज़ वो कन्हैया के लिए करती थी। तो उनका हर कर्म भक्ति था, वो भक्ति के आचार्य हैं। गोपियों से हम सीखें कि हम भी सब कर्म कन्हैया के लिए करेंगे तो भक्ति बन जाएगा। कर्म करते समय भगवान के लिए ही करने की निष्ठा रखनी चाहिए। कह रहे हैं कर्म करते समय भगवान कर्म करने भगवान की निष्ठा रखनी चाहिए। भगवान आपके लिए, आपके लिए। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हमें सेवा मिली है, मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो लेडीज़ आजकल सोचती हैं मुझे तो कुछ वो मिलती नहीं है, मतलब मैं भी नौकरी करूँ। तो नौकरी भी करती हैं और घर का भी काम करती हूँ, परेशान हो जाती है। इतना काम, बच्चों को देखें, घर देखें, घर का काम करें, क्या क्या करें। या फिर नौकरों में बच्चे पलते हैं, खाना भी सेवाधारी बनाते हैं। तो मतलब कहीं भी जीवन में बैलेंस नहीं है। तो भगवान ने जैसे हमें रखा है उसमें खुश रहें और कहें मुझे अपना काम बहुत पसंद है, मैं भगवान की सेवा मान के अपने सब कर्म को करता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। क्यों? मेरे जीवन मुझे गुरु मिले, मेरे जीवन में भगवान है, मैं हर समय प्रसन्न रहता हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड कंटेंटेड। मैं हर समय प्रसन्न हूँ और संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, खुश हूँ क्योंकि मुझे गुरु मिले, गुरु ने मुझे भगवान से जोड़ा है, मेरा संबंध भगवान से बना है। कर्म करते समय मन ईश्वर में संलग्न रहे तो प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी। व्यवहार को अतिशय शुद्ध रखोगे तो वे सब भक्ति बन जाएंगे। कह रहे हैं आपका व्यवहार बहुत शुद्ध होगा, उसमें छल कपट नहीं होगा, उसमें अहंकार नहीं होगा, उसमें काम क्रोध आदि नहीं होगा, वो सब भक्ति बन जाएगी। और भक्ति हमें सुख देती है, भगवान से जोड़ती है, संसार के मालिक परमात्मा से जोड़ती है। देखिए आखिर मनुष्य जन्म का लक्ष्य परमात्मा है, तो संसार के मालिक परमात्मा से जुड़ना है। व्यवहार और भक्ति में अधिक अंतर नहीं है, ईश्वर की भावना रखकर किया गया व्यवहार भक्ति है। प्रत्येक कर्म को भक्ति में बना दो। भोजन करते समय भी मान लो कि नारायण ही आहार कर रहे हैं। कह रहे हैं जब प्रसाद पा रहे हैं तो एक एक गस्सा, एक एक कौर जो मुँह में जाता है वो भगवान का नाम लेते हुए जाए। हे नाथ करते हुए आप प्रसाद पाइए। पानी पीजिए तो हरे कृष्ण, पहले पानी जब पीने लगे तो उसको ब्लेस करिए कि भगवान का इसमें इसको पीने से मुझे बहुत शक्ति आएगी, इसको पीने से मुझे बहुत मेरा भाव शुद्ध होगा, उसको ब्लेस करिए। फिर हरे कृष्ण करते करते पानी को पीजिए, या हे नाथ करते हुए पीजिए। प्रसाद भी पाएँ तो भगवान को आगे रख के बिठा के, और इधर उधर की बातें सोचकर नहीं, क्योंकि अम्मा जी कहते थे जो भोजन के समय आप सोचते हैं उस वही विचार फिर मन में रहते हैं, क्योंकि जो अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है ना। तो हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा। तो प्रसाद पाते समय हमारे विचार बड़े अच्छे होने चाहिए, भगवान के विचार हों। कोई गुरुजी का कैसेट लगा दीजिए, महामंत्र लगा दीजिए, उसको उस वो उस उसकी तरफ एक कॉन्सेंट्रेट करके प्रसाद पाइए। तो कह रहे हैं बहुत ध्यान भगवान की ओर हमारा रहना चाहिए। जब प्रसाद पा रहे हैं तो प्रसाद पाना भी भक्ति बन जाए। ऐसा संधान होने पर भोजन भी भक्ति ही है। व्यवहार को भक्ति में और ज्ञान में बनाओ। ईश्वर से कभी दूर मत जाओ, कभी निठल्ले मत रहना, निठल्ला हाथ पाप कर बैठता है। कह रहे हैं एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, कभी खाली मत बैठो। कीप योर सेल्फ ऑलवेज क्रिएटिवली बिजी। इतना कुछ है हमारे पास, भागवत जी हैं, गीता जी हैं, उनको पढ़िए, इतनी सारी गुरु की वाणी है उसको सुनिए। कामकाज करने की आदत का एकाएक त्याग कर दोगे तो शरीर पापाचार करने लगेगा। सो प्रवृत्ति रत रहो और सभी प्रवृत्तियों को ईश्वर में बना दो। कह रहे हैं कर्म करना बिल्कुल छोड़ दोगे, मन निठल्ला हो जाएगा तो गलत काम करेगा, सोचेगा कुछ गलत, सर सोचेगा गलत काम करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने सभी कर्मों को भगवान से जोड़ दो और भगवान के लिए ही सब कर्म करो, कभी खाली मत बैठो। हमेशा भजन करो, सेवा करो, सत्संग करो, सुमिरन करो, कुछ ना कुछ करो, घर का काम करो। घर का काम मतलब वही सेवा करो। कर्म के फल की इच्छा ना रखो,
कर्म का कैसा, कितना और कब फल दिया जाए, ये भगवान के सोचने की बात है। कह रहे कर्म के फल की इच्छा मत करो, कैसा कब कितना कर्म का फल मिलेगा ये भगवान पे छोड़ दो। कर्मण्ये वादे करस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करना हमारा अधिकार है, फल हमारे हाथ में नहीं है, फल भगवान को पे छोड़ दो। भगवान जैसे रखे हो, आप जैसे रखो, आपके बहुत शुक्राने, आपने बहुत अच्छे से रखा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। कर्म सद्भाव से करो, जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। कह रहे कर्म अच्छे भाव से करो, भगवत भाव से करो, बहुत खुश होके करो, हर काम खुश होके करो। प्रसाद भी पाओ खुश होके, प्रसाद बनाओ भी खुश होके, हर काम खुश होके करो, भगवान के लिए कर रहे। कह रहे जैसा एज यू व्हाट यू गिव यू गेट बैक। दिस लाइफ इज लाइक एन ईगो, दिस वर्ल्ड इज ईगो, प्रतिध्वनि। आप जो बोलोगे, आप जैसा सोचोगे, आपको लौट कर मिलेगा। जो वर्तन तुम्हें अपने लिए प्रतिकूल लगता हो, वैसा वर्तन किसी और के प्रति भी ना किया जाए। कह रहे हमें अच्छा नहीं लगता हमसे कोई बुरी तरह बोले, आप दूसरे से मत बोलिए। हमें नहीं बोलता, हमें अच्छा नहीं लगता कोई हमारी बुराई करे पीठ पीछे, तो हम भी किसी की ना करें। हमें अच्छा नहीं लगता कोई हमारे दोष देखे, तो हम भी किसी के दोष ना देखें। तो जो जो चीज़ें हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती, वो हम दूसरे के लिए भी ना करें। दोष देखने से, भलाई बुराई करने से, निंदा चुगली करने से, कर दूसरों के कर्म स्वभाव देखने से हमारा मन खराब होता है। और जब गुरु ने बता दिया वासुदेव सर्वम, तो हम किसी के दोष क्यों देखें। दादा भगवान ने कह दिया अदर इज हेल, तो दूसरे के कर्म देखना गलत है, क्यों देखें हम किसी का। हम सबके लिए भगवत भाव रखें, शुद्ध भाव रखें, अपनी नेचर बना कि नहीं है ही भगवान। वास्तव में तो सब भगवान ने ही सब रूप धारण करे ना। अब सब स्वभाव कर्म स्वभाव सबके फर्क फर्क है, तो सब भगवान की लीला है, भगवान अनेक रूपों में लीला कर रहे हैं। यदि तुम किसी जीव के प्रति कुभाव, द्वेष, असूया रखोगे, तो वे तुम्हें बदले में वही देगा। कहने अगर तुम किसी के प्रति कुभाव, गलत भाव रखोगे, द्वेष रखोगे, मन में क्रोध रखोगे, जेलसी रखोगे, तो लौट के तुम्हें वही मिलेगी। व्हाट यू गिव यू गेट बैक, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा डालोगे कूड़ा मिलेगा, जो तुम दोगे वही तुम्हें लौट कर मिलेगा। क्या दे रहे हो प्रकृति, अपने मन को चेक करिए, चेक योर थॉट्स, चेक योर फीलिंग्स, चेक योर वाइब्स, चेक योर वाइब्रेशंस। हम क्या दे रहे हैं प्रकृति में, व्हाट आर वी गिविंग, वही हमें लौट के मिलेगा, सब वही लौट के मिलेगा। तो गुरु कहते हैं बदले विचार बदले जीवन। कश्तियां बदलने से क्या होगा, रुख कश्ती का बदले तो बदले किनारे। तो कश्तियां बदलने से क्या होगा, जब हम रुख कश्ती का बदलते हैं तो हम किनारे बदल जाते हैं। तो बदले विचार बदले जीवन। कैसे विचार होने चाहिए, भगवत विचार होने चाहिए, भगवत में हमारा जीवन होना चाहिए, प्रेम में हमारा जीवन होना चाहिए। किसी का किसी के दोष ना देखें, किसी के भी दोष ना देखें, सबको देख के खुश हों, सबको ब्लेस करें। जैसे बड़े लोग होते हैं ना घर में, बहुत प्रेमी लोग जो होते हैं सबको ब्लेस करते हैं, खुश रहो खुश रहो, स्वस्थ रहो खुश रहो। और हम जैसे यहाँ पर हम लोग कहते हैं सबकी भक्ति बढ़े, सबका प्रेम बढ़े, सबको ब्लेस करें, सबके लिए शुद्ध भाव रखें। किसी को देख के चिड़िए कुड़िए मत, क्योंकि जो आप देंगे कह रहे वही आपको लौट कर मिले। शरीर थक कर चूर चूर ना हो जाए तब तक काम में लगे रहो। कह रहे जब तक शरीर थक कर चूर चूर ना हो जाए तब तक काम में लगे रहो। यदि शरीर अच्छी तरह नहीं थक जाएगा तो नींद नहीं आएगी। और बिस्तर पर करवट बदलते समय मन में बुरे विचार आते रहेंगे। जब बहुत थक जाओ तभी लेटो, तो लेटते ही नींद आ जाएगी और वो नींद भी भक्ति बन जाएगी। सत्कर्म करते हुए थक जाने से निद्रा की बड़ी अच्छी आएगी और ऐसी नींद ही भक्ति बन जाएगी। कहने हाथ में माला लेकर छोटी सी सुमिरनी लेकर सो जाइए और भगवान का नाम लेते रहते सो जाइए, कोई भक्तचरित सुन के सो जाइए, कोई गुरु की वाणी सुनते सुनते सो जाइए, तो आपकी निद्रा भी भक्ति बन जाएगी। थक कर सोइए, थक कर इतना मत थक जाइए कि फिर नींद ना आए, मतलब थक कर के ना निठल्ले मत बैठिए। कीप योर सेल्फ ऑलवेज बिजी, बिल्कुल खाली मत रहिए। यदि कर्मफल ईश्वर को देते रहोगे तो ईश्वर उसे अनंत गुना बनाकर वापस देंगे। गुरु कहते हैं ना एक दोगे तो कितना मिलेगा, एक दोगे तो कितना मिलेगा, 100। और अब तो गुरु ने कहा एक दोगे तो करोड़ों मिलेगा, मतलब बहुत मिलेगा ईश्वर को दोगे तो।
है ना, सब भगवान ने, हमने जैसे किसी को कुछ दिया, हमने कहा कृष्ण अर्पण, जब वो हमने कर्म किया, हमने खिलाया तो चिड़ियों को, हमने खिलाया तो छोटे पपीस को दूध पिलाया, पपीस को बिस्किट दिए, कुत्तों को, गाय को रोटी दी, किसी ज़रूरतमंद को की हेल्प करी, तो हमने कहा, हमने भाव ये रखा कृष्ण अर्पण, हमने भगवान की सेवा करी है, तो आपको कई गुना होके उसका फल मिलेगा। इस बात का अनुभव ना होने पाए तो मान लेना कि तुम्हारे ही कर्म में कुछ कमी है, कह रहे तुम्हें कई गुना होकर फल मिलता है। जैसे गुरु कहते हैं एक हम टमाटर का बीज बोते हैं तो उस टमाटर में कितने बीज निकलते हैं, एक गेहूं का बीज बोते हैं तो कितनी बालियां निकलती हैं गेहूं की, एक आम का बीज बोते हैं तो उस पेड़ पे कितने आम निकलते हैं। तो प्रकृति में अबंडेंस है, अबंडेंस, प्रकृति अनंत गुना देती है। ऐसे ही जब आप कर्म, अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान कई गुना करके देते हैं, कई गुना, अनंत गुना देते हैं। तो सब कर्म भगवान के लिए करिए, शुद्ध भाव से करिए, बहुत भगवत भाव से करिए। पूर्व जन्म में संस्कार और वासना जल जाने पर कर्म में से आनंद की प्राप्ति होगी। कह रहे जो हमारे कर्म स्वभाव थे पहले के, चिढ़ने के, कुड़ने के, दोष देखने के, कुछ कुछ बोलने के, तो कह रहे उन सब को वो जल जाएंगे जब गुरु के ज्ञान से, गुरु के प्रेम से, तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। कर्म का फल कब मिलेगा ये कहा नहीं जाता, कह रहे कब मिलेगा, कब मेरी बीमारी दूर होगी, कब मेरे कष्ट दूर होंगे, कब मेरी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, भगवान पे छोड़ दीजिए, यहाँ सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। कृष्ण अर्पण, भगवान ने कहा हे अर्जुन तू मेरे समर्पित हो जा, मैं तुझे सब दुखों से, सब पापों से, सब चिंताओं से, सबसे मुक्त कर दूंगा, तू मेरे समर्पित हो जा हे अर्जुन। उस सुखिया मालिन की तरह अपने सभी कर्म भगवान को अर्पण करते रहो, वे तुम्हारी टोकरी यानी बुद्धि में सद्भाव और ज्ञान के रत्न भर देंगे। सुखिया मालिन ने 3 साल तक भगवान के घर की परिक्रमा करी, रोज 108 परिक्रमा करती थी 3 साल तक। तो भगवान ने उसको दर्शन दिए ना, उसकी गोदी में आके बैठे, उसको फल दिए, उससे फल लिए और उसको कुछ, उसने कहा अनाज दो, तो अनाज डाला तो सब रत्नों से भर गई उसकी टोकरी। कह रहे आप भगवान को अपने कर्म अर्पण करेंगे तो आपकी बुद्धि सद्भावना से, अच्छे भावों से, प्रेम से, शुक्रानों से, आनंद से, खुशी से, सबके लिए सद्भाव से, सबके लिए ब्लेसिंग से भर जाएगी आपकी बुद्धि रूपी टोकरी। ठाकुर जी मंदिर में नहीं अपने हृदय में विराजमान करने चाहिए, कह रहे ठाकुर जी को यहाँ रखो हृदय, ये ठाकुर जी का रहने का स्थान, मंदिर में भी रखो पर उन्हें हृदय में भी बसाओ। जब आप भजन करें तो ठाकुर जी का ध्यान यहाँ करें, जब कर्म करें तो ठाकुर जी का ध्यान मन में करें। उनको मंदिर में स्थापित किए जाने से हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा, बुद्धि में से विषय आदि कूड़ा करकट साफ करके हमें ठाकुर जी को बिठलाना है। उड़िया बाबा जी के उपदेश में था कि हम प्रेम हमारा स्वभाव है जन्मों जन्मों से ना, प्रेम हमारा स्वभाव, पर हमें प्रेम का प्रेम क्यों नहीं फील होता है, हमें प्रेम क्यों नहीं फील होता है, क्योंकि हमारे मन में विषय वासना रूपी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। दूसरों की बात करना, दूसरों की बात सोचना, दूसरों के दोष देखना, ये सब कूड़ा भरा हुआ है हमारे, इसलिए प्रेम रूपी अमृत फल हमारे नहीं मिलता है। और सच्चा प्रेम तो भगवान से ही होता है, आसक्ति में ही सुख है। अगर हमारी वही आसक्ति भगवान से हो जाए, क्योंकि संसार तो चेंजेबल है, आप संसार में बेटे से प्रेम करिए, बेटा आपको प्रेम रिटर्न नहीं करेगा, है ना, वो प्रेम रिटर्न नहीं करेगा बेटा। आप किसी से भी प्रेम करिए संसार में, आपको प्रेम रिटर्न में नहीं मिलेगा, पर भगवान से आप जितना प्रेम करते हैं उसका कई गुना फल भगवान देते हैं। या यथामा प्रपतन्ते तान सते भजामि, भगवान कई गुना फल देते हैं। भगवान ने कहा जैसे तुम मुझे भजोगे उससे कई गुना फल मैं तुम्हें दूंगा। बुद्धि में से विषय वासना आदि कूड़ा करकट साफ करके इसमें ठाकुर जी को बिठलाना है। हम जिस प्रकार संसारिक विषयों को मन में जमाए रहते हैं उसी प्रकार प्रभु को भी वहीं स्थान देंगे तो शांति मिलेगी, तभी जीवन कृतार्थ होगा। यानी अपने मन में भगवान को बिठाओगे तो जीवन कृतार्थ होगा। बालकृष्ण 5 बरस के हुए, उन्हें वृंदावन जाने की इच्छा हो, पहले तो भगवान गोकुल में थे, अब वो कहाँ जाना चाहते हैं, वृंदावन। गोकुल में जो उत्पात हो रहे थे
उनसे व्यथित होकर चाचा उपनंद ने सोचा कि बालकों को के साथ हम दूसरे गांव में चले जाना चाहिए। यहां से कुछ ही दूर पर आया हुआ गांव वृंदावन रहने योग्य है। कहने अब हम वृंदावन चलते हैं। वनम वृंदावनम नाम, वन का नाम वृंदावन है, हम वृंदावन चलते हैं। तो आइए हम सब लोग अब वृंदावन चलते हैं। वृंदा का अर्थ है भक्ति, तो भक्ति का वन वृंदावन। तो वृंदा का मन क्या है, तुलसी भी कहते हैं वृंदा को, भक्ति भी कहते हैं, तो कह रहे हैं वृंदावन का जो भक्ति का वन है वृंदावन। बालक के 5 वर्ष के होने पर उसे गोकुल में से वृंदावन ले जाया जाए, अर्थात लाड़ प्यार की अवस्था प्राथमिक अवस्था में से अब उसे भक्ति के वन में ले जाया जाए, 5 वर्ष समाप्त होने पर लाड़ प्यार में कुछ कमी की जाए। कह रहे 5 साल तक तो बच्चे को खूब लाड़ प्यार करना चाहिए, उसके बाद उसे डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, उसके अंदर अच्छे संस्कार डालने चाहिए। गुरु कहते हैं कि 7 साल तक बच्चे का सब कॉन्शियस माइंड फुली एक्टिव होता है। तो जो वो देखता है सबसे ज्यादा उस पर किसका असर होता है, जो वो देखता है, वो देखता है मेरी मम्मी कैसे करती है, मेरे पापा कैसे करते हैं, घर का वातावरण कैसा है, वो सब देखता रहता है। और वो उसको सही गलत नहीं पता, वो जो देखता है वो सब उसके मन में चला जाता है, उसका सब कॉन्शियस माइंड बनता चला जाता है। जैसा देखता है, जैसा सुनता है, जैसा एनवायरमेंट होता है, वो सब ग्रास्प करता चलता जाता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड बनता चला जाता है। तभी गुरु कहते हैं दुनिया ना बदले बदल जाए हम, तभी मिलेगा हमें पूर्ण परमात्मा। तो हम कहते हैं ना बच्चे सुधरे हुए नहीं, हम सुधरे हुए नहीं, हम सुधरेंगे तो हमें देख के बच्चे भी सुधर जाए। हमारी सोच अच्छी होगी, हमारा भाव अच्छा होगा, हमारा वातावरण घर का अच्छा होगा, तो बच्चे स्वतः ही सुधर जाए। तो हमें अपने आप को बदलना है। बालक को धर्म भीरू संस्कारी बनाने के लिए बचपन से ही धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी बच्चों को शुरू से ही, जैसे हनुमान चालीसा है, कुछ मंत्र हैं वो सिखाने चाहिए। सुबह उठते ही प्रणाम करो, बड़े माता पिता के पैर छुओ, दादी बाबा के पैर छुओ, सुबह उठकर प्रार्थना करना, रात को हनुमान चालीसा करके सोना, सुबह उठकर कोई प्रार्थना करना, भगवान का शुक्राना मानना, बड़े लोगों को नमस्कार करना, उन्हें कुछ अच्छे संस्कार देने चाहिए। अपने बालक को अच्छे संस्कार ना देने वाले माता पिता उसके वैरी हैं। भक्ति और धर्म की शिक्षा न देने वाले माता पिता उस बालक के शत्रु ही हैं। कह रहे हैं जो धर्म की शिक्षा नहीं देते तो वो माता पिता बच्चों के वैरी हैं, शत्रु ही हैं, उसे अच्छा इंसान नहीं बना रहे, उसे भक्ति में वातावरण नहीं दे रहा। तो गुरु कहते हैं बिलो 10 भी सत्संग है, अबव 10 भी सत्संग, बिलो 10 सत्संग शाम को 4 से 5 होता है और अबव 10 सैटरडे को 4 से 5 होता है। सब गूगल मीट पे आते हैं सत्संग, अपने बच्चों को ज्वाइन कराइए, उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छे भाव मिलेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे बच्चे। बालक का हृदय मन बड़ा कोमल होता है, अतः उसे दिए गए संस्कार उसके मन में अच्छी तरह जम जाते हैं। उसे बचपन से अच्छे संस्कार दोगे तो उसका यौवन भ्रष्ट नहीं होगा और जीवन भर वह संस्कारी बना रहे। यानी उसका अच्छे संस्कार दोगे तो उसका यौवन भ्रष्ट नहीं, उसका जीवन बेकार नहीं होगा। उसे अच्छे संस्कार दीजिए, उसे गुड ह्यूमन बीइंग बनाइए, उसे अच्छी शिक्षा दीजिए। जिसे ज्ञानव्रत संत का सहारा हो वह पतन की गर्त में गिर नहीं सकता। किसका हाथ पकड़ के चलने से गिरने का डर नहीं रहता, ईश्वर का ही हाथ पकड़कर चलो। वृंदावन में अकेले नहीं वृंद लेकर जाओ, औरों को भी सत्कार की प्रेरणा देते रहो। गोप गोपियाँ सब वृंदावन गए, वृंदावन में यमुना किनारे और गोवर्धन पर्वत को देखकर राम कृष्ण और सभी बालक को बहुत आनंद हुआ। कह रहे जब आप, जैसे गुरु कहते हैं सबको साथ लेके चलो, गुरु ने अकेले ही तो ना सत्कर्म कर सबको साथ लेके चले कि सबका घर रोशन करो, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, बी अ रेनबो इन समबडी एल्सेस लाइफ, सबको भगवान में लगाओ। और कह रहे हैं किसी संत का, गुरु का हाथ पकड़ कर चलो, भगवान का हाथ पकड़ के चलो। गुरु कितना कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, गुरु हमारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हम गुरु को साथ फील करें, गुरु की प्रेजेंस को फील करें, हम मैं तुम्हारे साथ हूँ, भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम कभी अकेले नहीं हो, यू आर नेवर लोनली, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भगवान तुम्हारे साथ है।
कहने किसी संत को गुरु को साथ लेके चलो तो तुम्हें उनकी प्रेजेंस फील होगी, तो तुम कभी डरोगे नहीं, तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा नहीं मेरे साथ गुरु है, मेरे साथ भगवान है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भगवान का संबंध, गुरु का संबंध हमें बहुत बल देता है, हम कभी अकेले नहीं होते। तो जिसने भगवान का सहारा लिया, भगवान से संबंध बनाया, गुरु का सहारा लिया, उसके जीवन में बहुत बल होता है। भक्ति के किनारे दम्भ आबस्ता है, उसकी घाप में मत फंसना। दम्भ के समान कोई पाप नहीं है, अन पापों के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है, दम्भ के लिए नहीं। जिसकी भारी चोला तो अच्छा हो, किंतु अंतर तथा करनी मैले हो, वह वकासुरी है। कह रहे भक्ति में दिखावा कभी मत करें, हम तो बड़े भक्त हैं, अंदर में तो मार राग द्वेष भरे हुए, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में, और पति पत्नी में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, सबके लिए एक द्वेष है, क्रोध है, मन में अच्छी भावना नहीं है, सब घर घर की कहानी। कह रहे नहीं, ऐसा भाव मत रखिए, भक्ति में दिखावा मत करिए, आप सबके लिए शुद्ध भाव रखिए, आप विश्वास तो रखिए, आप अपनी वाइब्रेशन तो अच्छी करिए, आप अपने भाव तो शुद्ध रखिए, सबके लिए, सबको ब्लेस करिए, सबके लिए शुद्ध भाव रखिए। कह रहे जिसका भारी चोला तो बहुत अच्छा है, बाहर से तो बहुत अच्छे बनते हैं, परंतु अंदर से हम मैले हैं, कह रहे वो बकासुर है। बगलों की चोच में लोभ है, कीर्ति और धन का लोभ अपने साथ दम्भ भी ले आता है। कहने में धन भी चाहिए और मान भी चाहिए, हमें दोनों चाहिए, हमें धन भी चाहिए और मान भी चाहिए। तो कह रहे कीर्ति और धन का लोभ अपने साथ धन दम्भ ले आता है, दिखावा ले आता है। हम अंदर से तो सब भरा हुआ है, राग द्वेष गुस्सा, पैसा भी चाहिए, मान भी चाहिए, और बाहर से हम दिखाएंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो निष्काम हैं। तो गुरु कहते हैं जैसे हो वैसे रहो। 5 रुपये का असली नोट की ज़्यादा वैल्यू है 500 रुपये के नकली नोट से।